हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर वंदना मालविया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स लोगैरिथम के। ये रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट है हमें लोगैरिथम की प्रॉब्लम्स को जब हम डील करते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं फर्स्ट रूल। द लोगैरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0। लॉग 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है चाहे बेस कुछ भी हो। सेकेंड रूल, द लोगैरिथम ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज 1। अगर बेस सेम है तो किसी भी नंबर के लोगैरिथम की वैल्यू 1 होती है। यहां देखिए, यहां बता रखा है लोगैरिथम की जब हम बात करते हैं तो हम कहना क्या चाहते हैं कि इफ ए रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू एन देन लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू एक्स। ये जो पावर होती है वो यहां पर राइट साइड आ जाएगी और log n इक्वल टू x हो जाता है बेस a। क्लियर है? तो यहां हमने क्या बताया, अगर सेम बेस है तो नंबर चाहे कुछ भी हो log की वैल्यू 1 और लोगैरिथम 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है चाहे बेस कुछ भी हो। नेक्स्ट रूल सिंपल है, द लोगैरिथम ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ लोगैरिथम ऑफ इट्स फैक्टर्स। बात क्या कह रहे हैं यहां पे, log mp, mp के प्रोडक्ट का log इक्वल होगा लॉग एम प्लस लॉग पी। क्लियर है? प्रोडक्ट का लोगैरिथम इंडिविजुअल फैक्टर्स के लोगैरिथम के सम के बराबर। क्लियर है? नेक्स्ट रूल देखें, द लोगैरिथम ऑफ अ कोशेंट इज इक्वल्स टू द लॉग ऑफ द डिविडेंड लेस द लॉग ऑफ डिवाइजर। क्या कह रहे हैं यहां पे, लॉग एम बाय पी कोशेंट का लोगैरिथम लॉग एम माइनस लॉग पी के बराबर होता है। डिविडेंड का लॉगरिथम माइनस डिवाइजर का लॉगरिथम, तो लॉग एम बाय पी लॉग एम माइनस लॉग पी। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट रूल, लॉग एम रेज टू द पावर आर इज इक्वल्स टू आर लॉग एम। ये जो पावर होती है ना लॉग में वो आगे आ जाती है, लॉग एम रेज टू द पावर आर इज इक्वल्स टू आर लॉग एम। सिंपल है रूल ये भी। अगला रूल क्या कह रहा है देखो, लॉग m बेस x है, ये बराबर होता है log m मल्टीप्लाइड बाय log b। यहां देखिए बेस b है और यहां पर बेस x है। क्लियर है? तो log x बेस x m इज इक्वल टू log m बेस b इज मल्टीप्लाइड बाय log b बेस x। दैट इज log x रेज टू द पावर m इज इक्वल टू log m डिवाइड बाय log एक्स। क्लियर है? हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, तो ये भी इंपॉर्टेंट रूल ध्यान रखें आप। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, लॉग बी बेस ए मल्टीप्लाइड बाय लॉग ए बेस बी। अगर यहां पर इनको इंटरचेंज किया है देखो तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी इस प्रोडक्ट की, 1। लॉग बी बेस ए मल्टीप्लाइड बाय लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट रूल क्या है, a रेज टू द पावर log n बेस a इज इक्वल टू n। तो ये क्या होता है, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाती है, a रेज टू द पावर log n बेस a इज इक्वल टू n। अगर a की ही पावर में है, यहां भी बेस a है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, n। नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट रिजल्ट क्या कह रहा है कि log टू द बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लोगैरिथम। कॉमनली जो लोगैरिथम की जब हम बात करते हैं तो बेस कितना लिया होता है, 10। लॉग्स टू द बेस ई आर कॉल्ड नेचुरल लोगैरिथम। और जब नेचुरल लॉग की हम बात करेंगे तो बेस क्या होगा, ई। हमें बार बार ये बताने की जरूरत है, जब हम कॉमन लोगैरिथम की बात करेंगे तो इसका मतलब बेस 10 है, और जब हम नेचुरल लोगैरिथम कहते हैं इसका मतलब बेस कितना है, ई है। क्लियर है? तो लोगैरिथम की ये बहुत सिंपल सिंपल से रूल्स हैं, क्वेश्चंस के साथ जब हम डील करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जाते हैं तो यही रूल हमारी हेल्प करते हैं और बहुत जल्दी से हमें लॉग की वैल्यू मिल जाती है। तो वीडियो को यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एग्जांपल्स लोगैरिथम के, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स और प्रॉपर्टीज को यूज लेके कैसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करते हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं हम कमिंग वीडियोस में। वीडियो के किसी भी पार्ट में अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। प्रीवियस वीडियोस के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।